बजट 2020 के आने के बाद अब हम जानेंगे बाजारों के हाल। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उदयपुर की मार्बल मंडी में, जानेंगे मार्बल के उद्योगपतियों के क्या हाल हैं, क्या उनको उम्मीद थी 2020 के आम बजट से, क्या उनकी उम्मीद पूरी हुई, और बजट आने के बाद में उनको क्या लग रहा है कि सरकार और कुछ संशोधित बजट में कर सकती हैं। सब जानेंगे मार्बल उद्योगपतियों के साथ और जानेंगे राजस्थान में मार्बल के क्या हालात हैं और आगे क्या हालात रहने वाले हैं। आप देखें, केंद्र सरकार का बजट आया है और उसमें राजस्थान के मार्बल उद्योग को यह आशा थी कि कोई न कोई राहत केंद्र सरकार बजट में जरूर देगी, लेकिन इस बार भी हताशा ही लगी है। राजस्थान में जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट इस उद्योग से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा उद्योग राजस्थान में है। हमारे साथ में मार्बल उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपति हमारे साथ में हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर में इस उद्योग के साथ में सरकार क्यों ऐसा कर रही है कि जिससे रोजगार भी छीना जा रहा है और जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पा रहा है, और इसके चलते आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, और आने वाले समय में यह न हो जाए कि ये उद्योग पूरी तरह से चौपट हो जाए। हमारे साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे और मार्बल एसोसिएशन के संरक्षक मांगीलाल जी, आप बताएं कि क्या आप कहना चाहते हैं। सर, आगे इस बजट से हमें बहुत सारी उम्मीद थी। आदरणीय प्रधानमंत्री से हमें बहुत उम्मीद थी, आदरणीय वित्त मंत्री से हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारी इंडस्ट्रीज की समस्याएं बार बार लिखते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात को सुना नहीं। और इस इंडस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए, लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, माइनिंग लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है। एम्प्लॉयमेंट आज जितने राजस्थान में माइनिंग बेस पे है उतना कोई इंडस्ट्री में नहीं है, और आज हालत ये होगी गत 5 सालों के अंदर एम्प्लॉयमेंट माइनसों का 50% हो गया है। और सरकार बात सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है तो सरकारी नौकरी दे सकते हैं क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स, यदि जब तक आवक नहीं होगी और जब तक काम करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट रेगुलेटरी नहीं आएगा, रेगुलर सेल नहीं होगा, रेगुलर परचेज नहीं होगा, और उसकी वजह से जो बाधाएं आ रही है, जो बहुत सारी दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशन कानून में लगा दी है, उसकी कंप्लाइंस छोटे आदमी को करना मतलब बहुत बहुत ही सख्त मुश्किल हो गया। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट रखना, तो एम्प्लॉयमेंट नया रखे उसके लिए आदमी की जो तनख्वाह देनी है वो भी देने की स्थिति नहीं है, तो कानून नीचे बना रखे 50,000 के रिटर्न भरने, और वो रिटर्न भरने के लिए आदमी रखो, मैं खुद तो भर नहीं सकता, मैं खुद बना भी नहीं सकता, उस 50,000 के रिटर्न भरने के लिए मैं ग्रेजुएट आदमी रखूँ, कॉम्प्लिकेट लीगली जो समझदार आदमी उनको रखूँ, तो उसका सोर्स भी मेरे पास नहीं है। तो कानून को जितना सरलीकरण किया जाए, सरलीकरण के जहाँ रूप की रूपरेखा आएगी, सरलीकरण किया उसके अंदर जो 10 तरह के ABCD और जो कानून लगाएंगे उसके साथ वो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे। सरलीकरण तो होगा नहीं लेकिन कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या है कि सरकार की नीति ये होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बढ़े, इनकम का सोर्स बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, देश का एक्सपोर्ट बढ़े, और हर एक आम आदमी को जो सुविधा मिले, ये सुविधा मिलेगी और हमारी छोटी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो सुविधा चाहिए वो मिलती रहेगी, तो छोटी इंडस्ट्री चलेगी, नहीं तो आने वाले कुछ 5-7 सालों में ये इंडस्ट्री जो आज की तारीख में 50% बंद हुई है वो टोटली बंद हो जाएगी। माइनिंग इंडस्ट्रीज की ये सख्त आपको रिक्वेस्ट है कि माइनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपको सपोर्ट करना चाहिए, जो छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है, और वो सपोर्ट को ग्राउंड लेवल पे आके समझे और समझने के बाद में उसके हिसाब से कानून में संशोधन करे, यही हमारी विनती है। सरकार को सोचना चाहिए कि जिस वोट बैंक के पीछे राजनेता जाते हैं, लेकिन वोट बैंक के जरिए जो लुभाने के वादे तो करती है कि 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा या आटा मिलेगा या छाता मिलेगा, लेकिन जो रोजगार पे लगे हुए हैं जो युवा हैं, आज उनका रोजगार छिनता जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, आखिर में
जो बेरोजगार होंगे उनकी क्या स्थिति होगी और इससे क्या इफेक्ट आएगा? सरकार से जो लोग मार्बल इंडस्ट्री वाले जो अपन उम्मीद कर रहे हैं जी, वो तो बरकरार है, मेरे साथी लोग भी बताएंगे, आप लोनाव साहब ने बताया। अभी मैं जो स्थिति मार्बल उद्योग की है जो बिल्कुल वर्स्ट होती जा रही है, उसको सुधार करने के लिए मैं कुछ मेरा एक आध सजेशन में देना चाहता हूँ। आदिवासी अंचल में, आदिवासी अंचल में क्या हालात हैं और मार्बल इंडस्ट्री ने क्या इसको रोके रखा है, और अगर ये मार्बल इंडस्ट्री बंद होती है तो क्या हालात हो जाएंगे? आदिवासी अंचल का ही ये खनिज उद्योग के बेस्ट हमारी मार्बल इंडस्ट्री है जी। एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसी वजह से कम होता जा रहा है, और जंगल राज बढ़ेगा, ये हमारा भी मानना है। बट एक बड़ी चीज जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं मार्बल का, यहाँ बड़े बड़े लोग अपन रॉ मटेरियल वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको अपन रोक सकते हैं। सरकार से हमारी डिमांड भी है कि इस इम्पोर्ट को रोक दिया जाए या उस क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए। अभी एक खुली आयात नीति बना रखी है, हर कोई इम्पोर्ट कर रहा है। जहाँ पहले 4 लाख टन इम्पोर्ट होता था, आज की तारीख में 28 लाख टन एक साल में ही इम्पोर्ट कर लिया गया है, वो कहीं ना कहीं दम पड़ा हुआ है। तो उसको, उस क्वांटिटी को रोक देना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए, और इस इंडस्ट्री को बराबर चलता रहे, उसके लिए वो जो क्वांटिटी मंगानी है सरकार जो भी तय करे, बराबर के लाइसेंस सभी इंडस्ट्री में बांट देना चाहिए। सरकार डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री वालों के लिए, देश की जनता के लिए भले का काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जैसे कि आपने सुना होगा कि 5 लाख रुपया उन्होंने कर दिया बैंक का, पहले जब डूब जाते तो 1 लाख रुपया आपका ये गारंटी थी। अभी सरकार ने, आपने सुना होगा कि 5 लाख की गारंटी कर दी उन्होंने। अगर आप तो एक मिडिल मैन जो अनुमान होता है, एक एवरेज पे आ रहा है, डेफिनेटली इसकी संख्या बढ़ी जाएगी। टैक्स में एक टाइम पे टैक्स 2.5 लाख रुपये पे अपन इनकम टैक्स पे कर रहे थे, आज टैक्स की रेट अपन ने फर्स्ट ले भी 5 लाख के ऊपर कर दिया है। तो ये धीरे धीरे सब बढ़ेगा, सरकार प्रयत्न कर रही है। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, देश में निर्माण गतिविधियाँ हों, जैसे मार्केट में तेजी बनी रहे, सरकार प्रयत्न कर रही है। हम सरकार के साथ हैं और साथ में डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री पुनः जीवित हो सके, इसके लिए प्रयत्न करें, हमारे को राहत दी जाए। जिस तरह से मार्बल पर आज 18% टैक्स लगता है, क्या ये 18% टैक्स वाजिब है, और आपकी क्या राहत की उम्मीद लगाए हुए थी कि जो बजट आया है उसमें राहत मिलेगी? क्या आप उम्मीद करते हैं अब भी कि सरकार को इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाने के लिए कितने परसेंट तक टैक्स लगाना चाहिए? हमारी सरकार को माइनिंग के ऊपर 12% बिलोकों पर टैक्स लगाया हुआ है जी, और 12% का अगर सभी चीज पर 12% कर देते ये सर्वाइव कर सकती है कुछ भी, स्लैब पर, मार ब्लॉक पर, सब पर। हमारे यहाँ से एक गाड़ी भरती है तो उसका पूरा परिवार 10 आदमी होता है, घर में तबाह के खाता। यहाँ से माल डिस्पेज ही नहीं होगा तो क्या खाएगा वो? और एक जो 50 आदमी होता है वो एक फैक्ट्री चलाता है, वो एक परिवार होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारी लेबर है, उसको परिवार बना के चलते हैं तो बहुत तीसरा फैक्ट्री चलती है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी परिवार छोरा दुख पा रहा है तो उसको 5 रुपया एडवांस देना है, कुछ भी करना है, उसके ब्याह को शादी करनी है, कुछ भी करनी करना है। सरकार का मतलब ये नहीं है, सरकार को ये देखना चाहिए कि एक कमेटी बना के और ये बिजनेस क्यों डूब रहा है इसका पता करना चाहिए एकदम, कि इसकी आखिरी पोजीशन क्या है। जो रॉयल्टी डबल डबल मिलती थी, 20-20, 22-25 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट छूट रहा था, वो 10-10, 8-8 करोड़ में छूट रहा है। क्यों छूट रहा है वो? इसमें पैसा ही नहीं आ रहा, और वो भी ऐसा देख रहा है कि मैं तो हमके नहीं लूंगा साले को, डूब रहा हूं मैं तो, करोड़ों रुपया डुबोया, हमने भी डुबोया। मार्बल इंडस्ट्री की हालत बहुत ही खराब है। हम जानेंगे कि इसमें कितना एक्सपोर्ट होता था और क्या हालात 5 साल पहले थी। जी बताएं, आप बताएं कि क्या हालात थी इस उद्योग की। आज से 5 से 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो राजस्थान एक एक्सपोर्ट के लिए माना हुआ पूरा नाम था पूरे विश्व के अंदर। आज पिछले 5 साल में जो एक्सपोर्ट का मार्केट है वो लगातार जो है निचले स्तर पे जाता जा रहा है। उसके दो कारण है, एक तो माइनिंग पॉलिसी, अगर माल ही नहीं होगा तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। माइनिंग पॉलिसी आज की तारीख में ऐसी बना दी है कि सरकार को खुद नहीं पता है कि पॉलिसी क्या चल रही है, और हम तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट यही सोच के बैठते हैं कि अगले साल अच्छा होगा, पर वो निचले स्तर पर ही जा रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए होती है, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये वो
राजस्थान चौकी पोर्ट के पास नहीं है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और आमदनी कम हो गई है, और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी माल अब नहीं जा पा रहा है, और ये जो OGL का एक जो बहुत बड़ा ठप्पा हमारे ऊपर लग गया है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया सरकार के लिए, तो ये मार्बल इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी। आप बताएं किस तरह से यहाँ पर उद्योगों की हालत है, और जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी उनकी क्या हालत है अभी? राजस्थान में ओवरऑल मार्बल का बिजनेस खत्म होता जा रहा है। उदयपुर में, उदयपुर का बेस हूँ, उदयपुर में जो एशियन से भी जुड़ा हुआ 300 फैक्ट्रियाँ गैंगसों थे, उसकी जगह आज 300 की जगह सभी गैंगसों की हालत हो गई, जो हर फैक्ट्री में कि जो दो शिफ्ट 24 घंटे जो चलती थी उसकी जगह 12 घंटा चलाना भी उनको मुश्किल हो रहा है। किसी फैक्ट्री में 5 गैंगसों है तो 5 की जगह वो एक एक चला के उसको ऑक्सीजन दे के जिंदा रख रहेगा फैक्ट्रियों को। उसके अलावा भी कुछ 8-10 फैक्ट्रियाँ 100 फर्मों में से 10 फर्म तो ऐसी हो गई जिसमें गैंगसो उन्होंने जमीन से काट दिए हैं, उसकी लेबर फालतू हो गई है, अब वो लेबर अन्यूसेंस साइड में बढ़ती जा रही है। तो इसको बचाने के लिए कैसे गैंगसो को बचाया जाए, कैसे मार्बल मंडी को बचाया जाए, ये नहीं हो कि आने वाले समय में पता लगे उदयपुर एक बहुत बड़ी मार्बल मंडी थी जो KSIG और बाबरवाल बेस पे सब बेस पे चलती थी, वो बिल्कुल साफ हो जाए, जिसका देखने को भी नहीं मिले कि उदयपुर कोई मार्बल मंडी थी। इसको बचाने के लिए सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कैसे बचाए इसके लिए सरकार को एक कमेटी गठित करके इसको हर हालत में पूरी ऑक्सीजन ही नहीं पूर्ण रूप से जीवित करके और राजस्थान को बचाने में सहयोग करना चाहिए। अगर एक व्यक्तिगत उद्योग की बात करते हैं, आप अपने उद्योग को ही लें, तो आपके उद्योग की 5 साल पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है? आज से 5 साल पहले मेरे यहाँ 70 आदमी काम करते थे मेरी फैक्ट्री में, आज की तारीख में 20 आदमी काम कर रहे हैं। दोनों शिफ्ट चलती थी, एक शिफ्ट चल रही है। 20 कंटेनर महीने का एक्सपोर्ट करता था, पिछले 2 साल से 2 कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं किया है। ये हालत है, रोज़ नई पॉलिसियाँ के यहाँ OGL कर दिया, मेनली इजिप्ट एक्सपोर्ट होता था, वहाँ बिल्कुल ही बंद हो गया। अभी लोडिंग अनलोडिंग आप देखें, 6 महीने पहले सरकार ने 2 टन की छूट दी थी, और भी रिसेंटली 5 किलो भी अगर एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर पेनल्टी है। सरकार को देखना चाहिए, ये कोई शक्कर की बोरी या नमक की थैली नहीं, मार्बल एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वांटिटी में ब्लॉक आता है, जैसे 10 टन का ब्लॉक है उसको काट के छोटा नहीं कर सकते, तो उसके लिए 2-3 टन की छूट देनी चाहिए, रियायत चाहिए। हमको ये उम्मीद है, और मृत प्राय इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं सरकार से हमको अपेक्षा है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार उद्योगों को जो मृत पाए हैं या बीमारू उद्योग हैं उनको चलाने के लिए कई योजनाएं बनाती हैं, लेकिन क्या योजनाएं होनी चाहिए आप बताएं? मैं तो कहता हूँ कि नीचे स्तर पे जो छोटे व्यापारी हैं उनको बराबर से ध्यान में रखते हुए, फिर वाकई में परेशानी कहाँ है, छोटी छोटी परेशानियों को देखते हुए व्यापारियों को पूछे, उनका एक कमेटी बनाए और उस पर देख के फिर कोई बजट बनाए, कोई योजना बनाए, तो वो ठीक से वापस चल निकलेगी। हर साल बजट आता है, लेकिन बजट में मार्बल व्यापारियों को जितनी राहत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। आपको क्या उम्मीद थी और क्या अब उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए? तो ये उम्मीद करके थे साहब, बिल्कुल 5% इस पर GST हुए जी, नंबर एक। नंबर दो, OGL बंद हुए, लाइसेंसिंग पे देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्टेड, अगर इम्पोर्ट ही करना तो रिस्ट्रिक्टेड पे, अगर गवर्नमेंट की कोई अपनी मजबूरी है तो भाई इम्पोर्ट करना है मार्बल तो एक रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी पे करें जो सबको डिस्ट्रीब्यूट हुए। नंबर दो, ये अभी बीच में चला ओवरलोडिंग का भी, ओवरलोडिंग पे भी इतना कंट्रोल किया गया, आज मार्बल का ब्लॉक कैसे आएगा भाई, इनसे हम कैसे जज कर पाएंगे कि इतना किलो वजन जाएगा इसमें? उस पर भी अब एक वो टेरर पद्धति इतनी कर दी है गवर्नमेंट ने, इतना डरा दिया है व्यापारियों को, काम खुल के कर नहीं सकता। फ्री इन रैकेट ट्रेड को तो आज बिजनेस करने के लिए सब आदमी करना चाहता है, कौन आदमी बिजनेस करना नहीं चाहेगा? फ्री तो कुछ छोड़ ही नहीं रखा है गवर्नमेंट ने, डरा रखा है आदमी को, हर व्यापारी को डराने की पद्धति रख रखी है, इसीलिए ये बिजनेस धीरे धीरे डाउन आ रहा है। अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद लगाएंगे उद्योगपति, आप बताएं क्या उम्मीद जताना चाहते हैं? जहाँ तक सवाल हो रहा है रोड मेंटेनेंस का अथवा व्हीकल मेंटेनेंस का, तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर वो चाहे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिके, उन्होंने मिली भगत करके ये तय कर रखा है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ कैसे बिके, तो उन्होंने कैपेसिटी के पे बैन लगवा दिया। रोड मेंटेनेंस वाला बोलता है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पैसा मेंटेनेंस का मिलता रहे और मेरी रोड रिपेयरिंग में बिल्कुल नहीं आवे,
उसने ये सख्त कानून बना रखे हैं, लेकिन एक्चुअली रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे ये है कि कोई भी मार्बल का ब्लॉक होगा हम उसको छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, छोटे टुकड़े करते हैं उसके रुपया का 10 पैसे हो जाए। तो अब जो उसकी जैसी कैपेसिटी है, गाड़ी की कैपेसिटी है, वैसे उसको गाड़ी की कैपेसिटी चल रही है, ओवरलोड चल रहा है, तो उसके लिए जो जो सर्टेन परसेंटेज उन्होंने लगाना है कि भाई ये इतना परसेंट आप उसका ओवरलोडिंग कर दे दो, नहीं तो अब गाड़ियाँ तो अभी भाड़ा बढ़ जाएंगे, तो डिफरेंस किसको होगा, आम आदमी को फर्क पड़ेगा। आज एक चीज़ 1 रुपये में ले रहा है वो उसको 1.25 रुपये में लेनी पड़ेगी। अब ये जिस हिसाब से कानून बना है उस हिसाब से सजा भी है, ड्राइवर का लाइसेंस भी कैंसिल है, गाड़ी का लाइसेंस भी कैंसिल है। तो ओवरलोड के अंदर यदि गाड़ी ले गया तो उसकी गाड़ी की तो बर्बादी हो ही गई, लेकिन मार्केट में अंदर जो वो ओवरलोड के पैसे देके यदि कोई दूसरा ले जाएगा तो आपका कम से कम 50% कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ेगी, चाहे अनाज की हो, खाने पीने की चीज़ हो, चाहे मार्बल की हो, लगाने की चीज़ हो, सीमेंट हो, हर चीज़ के पैसे बढ़ जाएंगे, लागत बढ़ जाएगी, लागत का भुगतना तो आम आदमी को पड़ेगा, फर्क किसी को नहीं पड़ा, उस मैन्युफैक्चरर को तो उसकी गाड़ियाँ बिकने के लिए उसने किया है, रोड वाला रोड के लिए रो रहा है, लेकिन आखिर रियल में ग्राउंड लेवल ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो जब तक गाड़ी की कैपेसिटी है चल रही है चल रही है, और उसके ऊपर जो आपको टैक्स लगाना है वो लगा दो। एक टाइम टोल टैक्स लगा रखा है, एक आदमी को टोल टैक्स चुकाने में कितना टाइम लगता है, वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, उसको सोच भी नहीं सकता। आप टोल टैक्स लेना है, रोड टैक्स रोड का साल भर में एक बार टैक्स लेते हो, आप उसको जितना परसेंट बढ़ाना है उतना बढ़ा दो, उसके बाद में टोल टैक्स फ्री कर दो, तो उससे क्या होगा कि सरलीकरण हो जाएगा, गाड़ी रुकेगी नहीं, डीजल का फालतू कंजम्पशन होता है वो बंद हो जाएगा, गाड़ी रुकेगी नहीं और वो आदमी की परेशानी से बच जाएगी। तो टोल टैक्स भी हटा दो, और उसके बाद जो रोड टैक्स जो आज की तारीख में आप सपोज करो 1 रुपया ले लो, आपको 1.5 ले लो, 2 ले लो, और एक दफा ले लिया साल में, उसके बाद में तू तेरे फ्री तक। तो इस तरह ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके हिसाब से सरकार को रेवेन्यू मिले, हम सरकार की रेवेन्यू के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ में आदमी आम आदमी जिंदा रहे इसकी व्यवस्था सरकार कर। सरकार उद्योगों को बढ़ाने के लिए कई कवायदे करती है, कई नियम बनाते हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उद्योगपति की, जो भी उद्योगपति हैं उनकी यही गुहार है कि जो भी कानून बने, नए सरलीकरण हो, और आधार स्तर पर जो अधिकारी हैं वो जाए और पहले व्यापारियों की राय ले कि किस तरह से कानून बनने चाहिए और उस किस तरह से उनमें परिवर्तन आना चाहिए। और जो आने वाला जो बजट है, संशोधित जो बजट है, उनमें ज़रूर इनकी बात सुनी जाए। एमएन श्रीमाली, उदयपुर।